हेलो एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आर्किबैक्टीरिया का। तो आर्किबैक्टीरिया क्या है, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। और आर्किबैक्टीरिया की जो ये जो है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। तो आर्किबैक्टीरिया हमारे में एक मिथेनो चेंस आते हैं आर्किबैक्टीरिया में, जो कमर्शियली भी काफ़ी हमें हेल्पफुल है। तो आइए बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया में क्या होता है। आर्किबैक्टीरिया जो हमारे हैं ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जो सबसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बहुत ज़्यादा सिलीन या बहुत ज़्यादा जिन जहाँ पे टेम्परेचर होता है, जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म और कोई बैक्टीरिया या सेल सर्वाइव नहीं कर पाता, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है ये डिफरेंट होता है बाकी बैक्टीरिया से, और ये इनको हेल्प करता है इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में। तो इसमें हमारे तीन चार मेन टाइप्स के होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले होते हैं हेलोफाइल्स, जो हमारे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं, वो हमारे होते हैं हेलोफाइल्स। उसके बाद आते हैं हमारे जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो आपने देखा होगा जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हॉट होता है, जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नहीं रह सकता, वहाँ पे थर्मो एसिडोफाइल्स जो इनकी क्लास होती है, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये वहाँ पे ये रहते हैं। और तीसरा है हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस है ये क्या करते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल जिनके रूमन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिन एनिमल्स के उनमें जैसे काउस बफेलो हो गई, वहाँ पे ये ब्रेक डाउन करते हैं और मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है। तो ये गोबर गैस प्लांट्स होते हैं या जो बायोगैस प्लांट्स में भी काफ़ी यूजफुल है। ये जो हमारे आर्किबैक्टीरिया का टाइप है मिथेनोजेंस, इसमें मिथेनोकोकस हो गया, मिथेनोकोकस इसमें एग्जाम्पल हो गया, ऐसे मिथेनोजेंस होते हैं। तो यही मेनली मिथेन जो गैस प्रोड्यूस होती है, बायोगैस जो प्लांट्स होते बायोगैस प्लांट्स लगते हैं जो बड़े बड़े, जिनको काउ डंग से बफेलो डंग से के थ्रू प्रोसेस करके उसमें बायो रिएक्टर्स में प्रोड्यूस करा जाता है काउ डंग से मिथेन को, तो इन्हीं के द्वारा मिथेनोजेंस के द्वारा ही होती है। तो इसको हमें याद रखना है मिथेनोजेंस को, ये गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं, काउ और बफेलो। तो ये हमारे आर्किबैक्टीरिया की शॉर्ट टॉपिक था, पर इससे काफ़ी एग्जांपल या काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आर्किबैक्टीरिया ये कौन से, मिथेनोजेंस कौन से, यू बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया टाइप कौन से क्लास में होते हैं, तो वो आपको बताना पड़ सकता है। तो काफ़ी एग्जांपल बन सकते हैं छोटे से टॉपिक से, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।